गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि बोहरा मणिपाल हॉस्पिटल से IVF कंसल्टेंट। हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया कॉजेज़ फीमेल इनफर्टिलिटी के, मेल्स में क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, और हमने वैसे IVF के बारे, ART के बारे डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं उन लोगों में जिनको कि बेबी ना होने की प्रॉब्लम होती है। तो क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, जैसे ट्यूब्स का चेक करना जिसे हम बोलते हैं HSG, और प्रोसीजर्स हम करते हैं जैसे कि IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और जिसको हम नॉर्मल लेमैन भाषा में बोल देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब IVF और ICSI। ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं उन लोगों में जिनके अंदर बेबी ना हो रहा हो। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट प्रोसीजर है HSG, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। ये एक तरह का ट्यूब टेस्ट है, ट्यूब टेस्ट जिसके बीच में कि हम ट्यूब्स की जांच करते हैं। क्या हो करते हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 5 मिनट का प्रोसीजर है सिर्फ। इसके अंदर हम एक डाई डालते हैं और उससे हम बाद में एक्सरे लेते हैं। नीचे से डाई डाली जाती है और एक्सरे लिए जाते हैं जिससे कि ट्यूब्स देखी जा सकती हैं, बच्चेदानी भी देखी जा सकती है, लेकिन मेनली ये ट्यूब्स को देखने के लिए होता है। अगर डाई ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकल जाए तो उससे पता लग सकता है कि ट्यूब्स खुली हुई हैं। ये एक बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है, इसको किसी भी एनेस्थीसिया में करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल OPD प्रोसीजर है, पेशेंट को विद इन 1 आवर, 1 to 2 आवर छुट्टी भी कर दी जाती है, तो इसको HSG बोला जाता है। अगर ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम आती है HSG में, तो लैप्रोस्कोपिकली चेक किया जा सकता है कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, क्योंकि ट्यूब्स का खुले होना नॉर्मल कंसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ट्यूब्स खुली हैं तो पेशेंट ट्राई कर सकता है नॉर्मल कंसेप्शन के लिए IUI के थ्रू या फिर नेचुरली ऑल्सो। तो IUI क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसके बीच में क्या किया जाता है, जैसे कि अगर शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम हो, मेल्स इनफर्टिलिटी की कोई दिक्कत हो जिसके अंदर की डेड स्पर्म्स हैं या स्पर्म्स में पस सेल्स हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर हम सीमेन को वॉश करते हैं। सीमेन को वॉश किया जाता है तो जो भी डेड स्पर्म्स हैं, जो भी खराब पस सेल्स हैं, वो सब निकाल दिए जाते हैं और सिर्फ अच्छे स्पर्म्स जो कि हाईली मोटाइल हों उनको फीमेल पार्टनर के अंदर छोड़ा जाता है। इसको हम IUI कहते हैं। ART क्या होता है, ART जिसको हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। IVF क्या, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसके अंदर दो तरह के प्रोसीजर आते हैं, एक IVF और एक ICSI। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF क्या होता है, IVF के बीच में हम मेल और फीमेल दोनों के गैमीट्स को इकट्ठा कर एक जगह पे रख देते हैं और उनको वो खुद ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनता है जिसको कि फीमेल पार्टनर में छोड़ा जाता है। ICSI क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इस एक खास तरह का प्रोसीजर है, जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी के बीच में ICSI का बहुत ज़्यादा रोल है जब स्पर्म्स बहुत कम हों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पर्म की ज़रूरत है, तो जितने एग्ज़ हैं हमारे पास उतने ही हमें स्पर्म्स की ज़रूरत है। तो ये मेल इनफर्टिलिटी के अंदर एक बहुत नई रेवोल्यूशन है कि हमें बहुत कम स्पर्म्स के अंदर ही हम एम्ब्रियो बना सकते हैं और लेटर ऑन वो फीमेल पार्टनर में छोड़ देते हैं। जो पूरा का ये IVF और ICSI का, बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये कितना लंबा प्रोसीजर है, तो ये क्या प्रोसीजर क्या होता है IVF ICSI का। इसके बीच में हम फीमेल पार्टनर को और मेल पार्टनर को दोनों को पहले बेसिक्स टेस्ट करवाए जाते हैं, जो भी बेसिक टेस्ट होते हैं वायरल मार्कर्स, और ताकि देखने के लिए कि वो खुद स्वस्थ हैं कि नहीं। एक बार बेसिक टेस्ट हो जाएं, उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल हर एक औरत के बीच में एक साइकिल में एक एग रिलीज होता है, लेकिन IVF के बीच में हम क्या करते हैं, हम कुछ एक इंजेक्शंस देते हैं, जो इंजेक्शन 8 से 10 दिन के लिए लगते हैं और वो पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं, उनमें कोई पेन नहीं होता। वो इंजेक्शंस 8 से 10 दिन के लिए रोज़ एक इंजेक्शन औरत को लगता है, और उससे जो उसके एग्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। जब एग्स एक बार प्रिपेयर हो जाते हैं तो उनको अल्ट्रासाउंड की मशीन डालकर अंदर निकाल लिया जाता है। ये प्रोसीजर पेनफुल होता है, इसलिए इसे
एनेस्थीजिया के अंडर किया जाता है। एनेस्थीजिया देकर, बेहोशी देकर इसे किया जाता है, इसलिए पेशेंट को पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता है। एक बार एग्स निकाल लिए जाते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है और उन एग्स को, उनमें से जो अच्छे एग्स हैं उनको रख लिया जाता है और मेल के स्पर्म्स के साथ मिला दिया जाता है। जब उनको मेल के स्पर्म्स के साथ मिला दिया जाता है तो जो उससे बेबी बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। उस छोटे बेबी को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है और वो बेबी इंक्यूबेटर के बीच में 3 से 5 दिन तक रहता है। वो सेल डिवाइड करता है और वो अराउंड 3rd डे या फिर 5th डे, इनमें से जब भी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यूजुअली 2 एम्ब्रियो एक टाइम पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ज़्यादा एम्ब्रियोस ना ट्रांसफ़र करने का रीज़न ये होता है क्योंकि प्रेगनेंसी रेट ज़रूर इम्प्रूव हो जाता है पर उससे मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के स्ट्रेस रहता है, इसलिए 2 एम्ब्रियो ही एक टाइम पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को हम IVF या फिर ICSI या एक टर्म यूज़ की जाती है ART, या फिर उसको ART बोलते हैं। तो ये है IVF का प्रोसीजर। और इसके बाद 14 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जो कि या तो हम ब्लड की फॉर्म में कर सकते हैं जिसको हम BHCG बोलते हैं, और या फिर हम उसको यूरिन की फॉर्म में कर सकते हैं जिसको कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन 14 डेज़ के बाद हो जाती है, लेकिन उसके और 2 वीक्स के बाद बेबी का हार्ट चेक किया जाता है। तो एग्जैक्टली प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं ये हमें 2 हफ्ते बाद पता लगता है, लेकिन बेबी स्वस्थ है, उसका हार्ट आया है क्या नहीं, ये बच्चा छोड़ने के 4 हफ्ते के बाद पता लगता है। तो ये है पूरा प्रोसीजर ART का। थैंक यू।